बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, और आप देख रहे हैं तासीर दवाखाना ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज मैं मर्दाना बाजमा के इलाज के सिलसिले में एक इंफॉर्मेटिव मालूमती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। नाज़रीन, आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम की जिंस मर्द को नर और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक के अलावा इनका एक नहायत बुनियादी वसब बकाए नस्ल इंसानी और तसलसल आदमियत है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत खत्म हो जाए तो तिबी इस्तलाह में इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन के लिए अंग्रेजी में स्टिलिटी और अरबी में अकीम या अकर लफ्ज बोला जाता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में यह गलत तसव्वुर पाया जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मनसूब होकर अवामी जबान में बांझपन को नमर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल उसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की बीमारियों के बारे में बताता हूँ, जो तीन किस्म की हैं, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। अब मैं आपको इनकी तफसील के बयान करता हूँ। ओलिगोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से लेकर 600 मिलियन है। अगर स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। नेक्रोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की बीमारी ऐसी किस्म है जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नाज़रीन, अब मैं आपको तीसरी किस्म के बारे में बताता हूँ, एजोस्पर्मिया। सीमन में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का अहम सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप का आना, खून आना, खून के सूख जरात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। नाज़रीन, एजोस्पर्मिया की मजीद दो इकसाम है जिनका जिक्र करना जरूरी है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर खुशी शायद में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशी और उजर त्रासर के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या उनमें कोई नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी के स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, हार्मोन्स लेवल नॉर्मल न होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, हमारे द्वारा तासीर दवाखाना में 2000 के तकाजों के ऐन मुताबिक जदीद थेरापीटिक सिस्टम, जदीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वाहिद मरकज तिब्बी इदारा, जिसमें तमाम अमराज की जदीद तकनीकी इलाज और जदीद तीन कंप्यूटर के जरिए तशहीर की जाती है। पूछ दर पूछ सदरी नुस्खा को मुश्तमिल सीरियल असर देसी जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है। तासीर दवाना का अहम मकसद बांझपन, जनाना व मर्दाना का बेहतरीन बुनियादों पर इलाज किया जाता है। नाज़रीन, हमारा अदारा तासीर हर्बल एंड दवाखाना डिवीजन के माहरीन, हुक्मा और डॉक्टरों ने साल साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा नुस्खा तरतीब दिया है जो कि मर्दाना बांझपन पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर इसकी तमाम जुमला खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तासीर फार्मा ने बरसों की तहकीक के बाद स्पर्म की अफजाइश के लिए ऐसी दवा तैयार की है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटी की आमजिश के साथ तिब्बी इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों से तासीर फार्मा में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की वजह से तैयार किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और मनी में जरासीम नस्ल पैदा करता है, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये कोर्स तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मर्दों के जिस्म हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बे औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ कोर्स मादा तौलीद की अफजाइश को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। स्पर्म की पैदाइशी कमजोरी और कमी ऐसी महरूमी है जो एक सेहतमंद और ताकतवर मर्द को भी खोखला करके पागलपन की हद तक पहुंचा देती है। इन दोनों सूरतों में यानी किरे में मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तरासर को दुरुस्त करके इसके कवाम को ठीक करता है। इसमें शामिल नहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और इसे गाढ़ा करने में मौसर है, बल्कि कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर मर्दाना बांझपन की तमाम बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। नाज़रीन, इसके बाद
खुशियों यानी टेस्टिकल की बीमारी के बारे में बताता हूँ। स्पर्म चूंकि मर्दाना खुशियों में पैदा होते हैं, इसलिए खुशियों की बीमारियों के बारे में भी जानना जरूरी है। खुशियों की दो बीमारियां हैं, हाइड्रोसील वेरिकोसील। हाइड्रोसील खुशियों यानी टेस्टिकल के ऊपर गोश का बांट जाना हाइड्रोसील कहलाता है। वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल है, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब है। नाज़रीन, अब आपको बताता चलूं कि बांझपन की दो अकसाम है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो या हमल करार ना पाए हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वो शादीशुदा जोड़े जिनके यहाँ पहले औलाद हो लेकिन फिर वक्त औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इन दोनों सूरतों में तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी तासीर दोहाना आपके लिए पूरा सर कोर्स मरतब कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप मर्दाना बांझपन और इनसे होने वाली तमाम खराबियाँ जो खुशगवार आजादी जिंदगी गुजारने में मसाइल हाल है, इनको पूरी तरह खत्म करता है। नाज़रीन, जहाँ ये कोर्स स्पर्म की जुमला खराबियों को खत्म करता है, इसके साथ साथ इसमें इजाफी खूबियां भी पाई जाती हैं। ऐसे नौजवान जो जवानी में तबी हरकत जैसे मूछ जनी जलक अगलामबाजी जैसी हरकत में मुबतला हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके नफ्स में कई तरह की तब्दीलियां नुमा होती हैं। मसलन नफ्स का छोटापन, नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है, नफ्स टेढ़ा और सुखना शुरू हो जाता है, नफ्स के दरमियान रिंग सा बन जाता है। नाज़रीन, ये कोर्स तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी इन तमाम जुमलियों खराबियों को ठीक करता है, बल्कि इसके साथ साथ दिल दिमाग और गुर्दों को भी तकवीत देता है, जिससे जिस्म में ताजगी पैदा होती है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी के इस्तेमाल से मर्दाना जुतरास में आप अपने मर्दाना जुतरासर को अप टू 2 इंच तक इजाफा कर सकते हैं और आपके जिस्म में मौजूद हर तरह के सेक्सुअल वीकनेस को खत्म करता है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी जिनसी कुवतों और सलाहियतों को उभार कर इनसे मुस्तफीद होने में मावन है। जिसम की तमाम सोई हुई कुवतों को बेदार करता है, जिससे जवानी और कुवत बा हमेशा के लिए कायम रहती है। ये जाहिर शुदा कुवत बा की असर नो तामीर करके इंसान के जिनसी सलाहियत को बहाल करता है। हजारों मरीज इसके इस्तेमाल से अपनी मुराद पा चुके हैं। शुगर के मरीज भी कुवत खास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कसरत मुबाशर जलक जनी से खोखले जिस्म को दोबारा जानदार बना देता है। इस कोर्स के इस्तेमाल से न सिर्फ मर्दाना बांझपन का खात्मा होता है, बल्कि ये मर्द की कम हुई या खोई हुई ख्वाहिशात को पूरी तरह बेदार करता है। आपकी जाहिर शुदा तवानाई को मुस्तकिल सलाहियत में तब्दील करता है। मर्द हज़रात के लिए खास तोहफा जो खामियों को दूर करने में अपना सानी नहीं रखता। मर्दाना जखास में ऐसी गजब की शक्ति और ताकत लाए कि बाज़ का तरफैन की तबीयत ऐश मनाते मनाते उकता जाए। आपके तमाम मर्दाना सलाहियतों और कुवतों को बहाल करके अजवाजी जिंदगी के लुत्फ यानी लजत को दुबाला करें। नाज़रीन, तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी आपको ताकत और कुवत की वो चट्टान बना दे कि खास लम्हात जिंदगी हमेशा के लिए आपके ताबे हो जाए। खुलियात की असर नो तामीर करके कुदरती मादों को बढ़ाती है जो जिंसी अफाल दुरुस्त करने में जरूरी है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी का शुमार हमारे पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात में होता है, इसलिए सिर्फ हमारे इदारे तासीर दोहाने पर दस्तयाब है। तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी आप हमारे इदारे तासीर दोहाने की मेन बाग रावलपिंडी से तलब कर सकते हैं। मर्द हज़रात आपको बताता चलूँ कि वो चाहे पाकिस्तान से है या बाहर दुनिया किसी भी मुल्क में हो, आप बजरी आर्डर तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान भर में हम जरिया वीपी पार्सल भेजते हैं। इसके अलावा आप खुद रावलपिंडी में तासीर दोहाने पर तशरीफ लाकर भी तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर दुनिया के हर मुल्क में हम बजरिया एयर शिपमेंट भेजते हैं। जब मैं खास बात बताते चलूँ कि हम पूरी दुनिया में होम डिलीवरी सर्विस फराहम करते हैं, यानी मतलूबा कोर्स आपके घर तक पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, आज आपको तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी से मतलब बहुत अच्छी मालूमात देगी। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को इससे भरपूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ थेरेपी आज के मर्दों के लिए खास है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।